हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अखिलेश ने ट्वीट करके गिनाई यूपी की गंभीर घटनाएं। सरकार को घटनाओं का निकालना चाहिए बिंदुवार बुलेटिन। ट्वीट में कई बड़ी घटनाओं का जिक्र भी किया गया है, पहले भी दे चुके हैं बढ़ते क्राइम का बुलेटिन छापने की सलाह। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर अपनी पुरानी बात दोहराते हुए योगी सरकार पर कंस कसा है और कहा कि यूपी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सरकार को बिंदुवार बुलेटिन जारी कर देना चाहिए, जिससे जनता को ये पता चल सके कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को धता बताने वाली हर रोज कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार इन्हें रोक पाने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। वैसे अखिलेश इस तरह का ट्वीट पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे उनके नए ट्वीट की। अखिलेश ने इस बार जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने प्रदेश में घटित हुई हाल की बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है। अखिलेश ने दावा किया है कि योगी सरकार एक तो बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अंकुश लगा पाने में असफल है, दूसरा अगर कोई बड़ी घटनाओं की पोल खोलता है तो सरकार उस पर मुकदमा दर्ज करा देती है, उसे गिरफ्तार करा लेती है। वहीं इस सरकार के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। अखिलेश का साफ इशारा उन्नाव दुष्कर्म कांड में फंसे कुलदीप सिंह सेंगर और हाल में शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा के आरोपों से घिरे पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की तरफ है। इस ट्वीट में अखिलेश ने और भी कई घटनाओं का जिक्र किया है। अखिलेश लिखते हैं कि ग्राम प्रधान मुन्ना राय की हत्या, घोसी कोतवाली में पुलिस की बर्बर पिटाई से युवक की मौत, बागपत में दिन दहाड़े सिंडिकेट बैंक में लूट और हापुड़ में भाजपा नेता की हत्या। फिर उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के स्कूल में बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाने की खबर छापने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी और दर्ज मुकदमों से जुड़ी अखबार की कटिंग भी टैग की है। अपने इस ट्वीट से अखिलेश ने योगी सरकार को कई एंगल से घेरने की कोशिश की है। अखिलेश के इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए उनके एक फॉलोअर आरबी यादव ने भी अखबार की कटिंग के साथ शेयर किया है कि इस सरकार में सिर्फ भाजपा नेता ही नहीं बल्कि अधिकारी भी दुष्कर्म जैसे मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। आरबी यादव ने देवरिया के उस डीपीआरओ का जिक्र किया है जिस पर बर्खास्त संविदा कर्मचारी से दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश और सपा जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस सरकार को किसी से भी सरोकार नहीं है, दूसरा इसका शासन प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आवाज उठाने वाले जब पत्रकारों को ही गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर आम आदमी तो आवाज उठाने के बारे में सोच ही नहीं सकता, उसे संगीन धाराओं में हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अखिलेश ने इसी तरह का ट्वीट पहले भी किया था, तब भी उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधों का यही हाल रहा तो सरकार को अपराध की दैनिक खबरों का बुलेटिन छापना शुरू कर देना चाहिए।